चलिए भाई, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले भैया, आरएमएस के उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जिन विद्यार्थियों ने भाई आपका आरएमएस में सिलेक्शन लिया है, और बहुत 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 उनको शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई आरएमएस जैसे एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना, और बहुत ही भाई हमारे लिए भी खुशी की बात है कि भाई बच्चों का हुआ और बच्चे आज इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो भाई जल्दी 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 आ जाइए, और सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जिन बच्चों का आरएमएस का रिजल्ट आया है। बहुत बहुत उन सभी को शुभकामनाएं हैं। उसके बाद कट ऑफ कितना रहा, क्या चीज़ें रही, मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ बेटा। सच्चाई में कट ऑफ का किसी को सच में एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने 130 प्लस माइनस 2 बताया था, तो कहीं ना कहीं 132 से तो ज़्यादा ही गई है। 132 से तो बेटा ज़्यादा ही कट ऑफ आपकी रही है। आज का क्या है हमारा भाई उद्देश्य है वीडियो लाने का, क्योंकि देखो रिजल्ट का मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सबका ये था कि सर रिजल्ट कब शो करोगे, सुखोई एकेडमी रिजल्ट कब लेके आएगी। भैया देखो, पिछले 3 दिनों से सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है वो बनी हुई है आपका रिजल्ट कैसे देखें। बहुत सारे बच्चे हैं जो रिजल्ट ही नहीं शो हो रहा था, किसी का ब्लैंक स्क्रीन आ रहा था, व्हाइट स्क्रीन आ रहा था, किसी का इनवैलिड पासवर्ड बोल रहा था, तो उन सभी का अब बहुत आसान हो गया है, क्योंकि रिजल्ट जो है आरएमएस ने वो पूरा का पूरा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट अपलोड कर दी है। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट अपलोड होने के बाद अब बड़ा इजी रह गया है कि भैया आप क्या कर सकते हो, आप उसमें अपने नाम को, रोल नंबर को चेक कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल मिटा दी, और मैं पहले से चाहता था कि ये प्रॉब्लम मिटनी भी चाहिए, क्योंकि भैया आपका बहुत परेशानी बच्चों को हुई, बहुत परेशानी हमें भी हुई, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने आरएमएस का पेपर दिया था, ऑफलाइन के भी हैं, ऑनलाइन के भी हैं, तो बहुत भाई हमारे लिए भी टेंशन की बात रही। ठीक है, उसके बाद आज हमारा मुख्य उद्देश्य था, मैंने आपको बताया था कि 4 फरवरी को हमारा 100% स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, और 4 फरवरी को जो 100% स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है उसका कैसा रिजल्ट रहा है, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं उस स्कॉलरशिप टेस्ट में, सारी चीज़ें। क्योंकि देखो अगला जो आने वाला साल है, क्योंकि बहुत बच्चों का भाई आरएमएस नहीं हुआ है, ये सच्चाई है, क्योंकि आरएमएस में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो बहुत बच्चों का आरएमएस इस बार नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा का इस बार हुआ है। सुखोई का जो रिजल्ट है मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, ठीक है, सुखोई का रिजल्ट, सुखोई की मेहनत, सुखोई के बच्चे, आप सभी का सपोर्ट, और इन सारी चीजों से हमारा रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट सुखोई अपना दिखाने वाली है वो 15 फरवरी को दिखाएगी, क्योंकि देखो हमें टाइम इसलिए चाहिए था क्योंकि बच्चों का रिजल्ट देख पाना बहुत बड़ा टास्क हो गया था 2 दिन से, तो सभी बच्चों का रिजल्ट देख पाना, हमारा स्कॉलरशिप का रिजल्ट बनाना, तो इसके लिए हमें समय की काफी भाई जरूरत थी। बिल्कुल शांति से आएंगे, बिल्कुल शांति से, और बेटा इतना बड़ा रिजल्ट है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इतना बड़ा रिजल्ट है जो आपका रहने वाला है 15 तारीख को, कि बेटा आपको ना, आपको कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा केवल और केवल आपको चाहिए इंटरव्यू लेटर्स को और बच्चों को देखने में। ठीक है ना, हम बच्चे जो हमारे थे ऑनलाइन ऑफलाइन के, उनको हम बुला रहे हैं, उनसे रूबरू हम आपको कराएंगे, और एक एक इंटरव्यू लेटर हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ इंटरव्यू लेटर है, क्योंकि रिजल्ट तो सबके सामने आ गया, तो इंटरव्यू लेटर्स भी आपको दिखाएंगे। इंतजार कीजिए 15 फरवरी का, ठीक है। और बेटा इतना बड़ा रिजल्ट है, इतना बड़ा रिजल्ट है कि भाई आप वेट करिए, वो आपके लिए सस्पेंस बना रहेगा कि कितना बड़ा रिजल्ट सुखोई का रहा, ऐतिहासिक से भी ज्यादा ऐतिहासिक रहा है। और भाई बहुत सारे भाई इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे भाई कोचिंग संस्थान, बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स, भाई कौन क्या कहता है,
सुखोई के लिए आप सबसे जरूरी हो, सुखोई के लिए वो सबसे जरूरी हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब पे हर तरह से जुड़े हुए हैं। सुखोई के लिए सबसे जरूरी है सुखोई के 90,000 प्लस जो सब्सक्राइबर है, 91,000, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज का 100% स्कॉलरशिप टेस्ट का जो रिजल्ट है, मैं आपको फिर से बता दूं, 4 फरवरी को सुखोई का 100% स्कॉलरशिप हुआ था। ठीक है, 4 फरवरी को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था। कितने बच्चों को 100% मिला है, कितने बच्चों को भाई 20%, 50% कितने बच्चों का रहा है, देखो मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ बेटा। सच्चाई सिंपल सी ये है, बहुत सारे भाई कहते हैं कि स्कॉलरशिप का क्या फायदा है बेटा। बहुत सारे बच्चे पिछली बार हमारे पास आए, बिल्कुल 100% पढ़ रहे हैं और आरएमएस वो जा रहे हैं। 50% पे आए वो भी आरएमएस जा रहे हैं, 20% पे आए वो भी आरएमएस जा रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि भाई आपके स्कॉलरशिप का आपकी जेब पे सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। भाई आपका अगर 50% छूट मिल जाए, 100% छूट मिल जाए, तो एक आम आदमी के लिए अपने बच्चे को पढ़ा पाना बहुत आसान हो जाता है। और मैं फिर से बता दूं बेटा, हम 4 फरवरी का जो स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का आज मैं रिजल्ट घोषित करने वाला हूँ। 100%, 50% और 20% का स्लैब मैंने रखा है। ठीक है, 100%, 50% और 20% का स्लैब मैंने रखा है और बहुत सारे बच्चों को हम दे रहे हैं। इतने बच्चों को इस बार स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि भाई देखिए, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सुखोई एकेडमी के लिए सबसे बड़ी चीज आपका प्यार है। सुखोई एकेडमी के लिए सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो आप हो, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, रिजल्ट का मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, रिजल्ट जो हम अनाउंस करने वाले हैं आरएमएस का, सुखोई का जो रिजल्ट है, वो बहुत दिन पहले ही हमने कह दिया था कि भैया हम 15 फरवरी को, मीन जब आया था तभी बोल दिया था। तो सुखोई का जो रिजल्ट होगा आरएमएस का, वो 15 फेब को, और आपको इंटरव्यू लेटर के साथ साथ बच्चों से भी मिलवाऊंगा बेटा। इंटरव्यू लेटर के साथ साथ आपको एक एक बच्चे से भी मिलवाऊंगा। ठीक है, इंटरव्यू लेटर तो आपके रहेंगे ही, एक एक वो बच्चे रहेंगे जो सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, हर वो बच्चा आपसे मिलवाऊंगा जो सेलेक्ट हुआ है, उन सभी बच्चों को जो हमारे ऑफलाइन में थे, उन सभी बच्चों को हमने बुला लिया है। 15 फरवरी का इंतजार कीजिए, 15 फरवरी का। ठीक है भैया, सुखोई मेहनत पे विश्वास रखता है हमेशा बेटा, और मेहनत में कमी हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। फालतू की बातें हमसे नहीं आती बेटा, फालतू का हमसे बोलना नहीं आता, फालतू का हमको भैया रिजल्ट से पहले रिजल्ट दिखाना कोई चीज हमको नहीं आती है। सुखोई के लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है वो मेहनत और उसके बाद रिजल्ट। ठीक है, तो 15 फरवरी को रिजल्ट आने भी हम शो करने वाले हैं, क्योंकि तब तक हमारे सारे बच्चे जो भी सेलेक्ट हुए हैं, वो सारे बच्चे सुखोई में आ भी जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद 150, 20% का मैंने स्लैब रखा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितने बच्चों को, देखो मैं आपको बता दूं, 4 फरवरी को लगभग 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 1,500 से ज्यादा बच्चों ने सुखोई का स्कॉलरशिप एग्जाम दिया था। 1,500 से ज्यादा बच्चों ने सुखोई का स्कॉलरशिप एग्जाम दिया था। ठीक है, 1,000 से ज्यादा बच्चे थे, मतलब 1,500 से ज्यादा बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है। उन 1,500 बच्चों में से कितने बच्चों को हम दे रहे हैं, कितनी हमारे पास सीट्स हैं, कितने बच्चों को सुखोई लेने वाला है इस बार, सारी चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सा एक नियम बता देता हूँ। सिंपल सा नियम ये है एडमिशन का कि भाई जिसको भी स्कॉलरशिप मिल रहा है, उसको स्कॉलरशिप का क्या करना है, अवेल करना है एक भाई, ये स्कॉलरशिप जो है ये आपका पहले मैं अभी नहीं शो करूंगा, मैं बिल्कुल शो नहीं करूंगा। स्कॉलरशिप जो है ना, ये आपका, आपको अवेल करना है कब, ये आपको अवेल करना है 1 वीक के अंदर। ठीक है, तो आपको 19 फेब तक अवेल करना है। अगर 19 फेब तक आप हमें नहीं बताते हैं, हमें नहीं इन्फॉर्म करते हैं, तो आपको बिल्कुल स्कॉलरशिप भाई किसी और बच्चे को, वेटिंग लिस्ट वाले को दे दी जाएगी। ये सच्चाई है, आपकी स्कॉलरशिप वेटिंग लिस्ट वाले को दे दी जाएगी। सैनिक स्कूल का कोई रिजल्ट नहीं आया है बेटा अभी, सैनिक स्कूल का कोई रिजल्ट अभी नहीं आया है। सैनिक का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बेटा कल वीडियो आएगा, क्योंकि हम आरएमएस के रिजल्ट में और इन सारी चीजों में भाई हम बिजी हैं। ठीक है ना,
क्योंकि बेटा एक बहुत बड़ा टास्क था देख पाना रिजल्ट, वो तो आज लिस्ट जारी हो गई तो हमारे लिए इजी हो गए चीजें कि भाई कम से कम हम बच्चे जो हमारे परेशान हैं वो अपने रिजल्ट को देख तो पाएंगे। चलिए मैं शुरुआत करूंगा, सबसे पहले 9th क्लास से शुरुआत करने वाला हूँ। 9th क्लास के बैच की मैं बात करूं तो 9th क्लास के अंदर भाई आपका जो बच्चे इस बार एग्जाम देने आए, बहुत सारे बच्चे इस बार एग्जाम देने आए हैं, तो 9th क्लास में हम कितना स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और देखो मैं एक और बात बता दूं बेटा, स्कॉलरशिप का मतलब होता है स्कॉलरशिप, अगर 100 बोलेंगे तो एक भी पैसा सुखोई आपसे नहीं लेगा बेटा, अगर 100 बोलेंगे तो एक भी पैसा सुखोई आपसे नहीं लेगा, 50 बोलेंगे तो 50% आपका टोटल में से कम हो जाएगा, 20 बोलेंगे तो 20% आपका टोटल में से कम हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 9th क्लास से, ठीक है। 9th क्लास में कितने बच्चों को हम दे रहे हैं, मैं शुरुआत करूंगा सबसे पीछे से, ठीक है। और जिसका भी नाम, फादर्स नेम, जो भी चीजें आए और हमें देख रहे हो, वो बेटा बिल्कुल क्या करना है, उनको बता देना है हाँ जी हमारा हो गया है, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करूंगा मैं नीचे से, सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं दिव्यांशु बासु से, ठीक है। दिव्यांशु बासु, पिता का नाम है विनोद कुमार, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो 20% इनको स्कॉलरशिप मिला है। उसके बाद पार्थ सिलास तोषकर, पिता का नाम है विलास वसुदेव तोषकर, 20% स्कॉलरशिप इनको रहा है, ठीक है। यश यादव, पिता का नाम है शेरपाल सिंह, 20% स्कॉलरशिप मिला है। कार्तिकेय पांडे, संजय कुमार पांडे, इनको भी 20% स्कॉलरशिप मिला है। विनय पंत, पिता का नाम है मदन मोहन, इनको भी 20% स्कॉलरशिप मिला है। सत्यम, पिता का नाम है धीरेंद्र कुमार सिंह, 20% स्कॉलरशिप मिला है। संजीवनी सिंह, सुनील सिंह सेंगर, 20% मिला है। सना राजन मल्ला, राजन रामदेव मल्ला, इनको भी 20% मिला है। रियान जंगेल, राहुल जंगेल, 20% है। रोहन राजकिशोर कुमार, 20%। पुनीत है शेर सिंह, 20%। मोहम्मद रेहान, हमजा हुसैन माली, 20%। हरीश्याम, जग्गू प्रसाद, ठीक है जी, 20% है। उसके बाद अक्षा, राजू कुमार प्रसाद, 20% है। आदित्य बागरी, कुलदीप कुंवर, 20% है, ठीक है। उसके बाद जो है ये 50% वाला स्लैब है। मैं पूरा ना, ये पूरा जो रिजल्ट है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी रहेगा और ये हमारी वेबसाइट पे भी रहेगा, ठीक है। मैं इस रिजल्ट को टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दूंगा और आपके वेबसाइट पे भी, जो रिजल्ट रहेगा पूरा स्कॉलरशिप का वो टेलीग्राम चैनल पे भी रहेगा और आपके वेबसाइट पे भी रहने वाला है, ठीक है। और बेटा इतना ज्यादा स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं क्योंकि मैं फिर से बता दूं, सुखोई के लिए ना पैसा कभी मैटर करता था ना पैसा आगे मैटर करेगा, ठीक है। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज रिजल्ट है और रिजल्ट जो है 15 फरवरी को दिखाने वाले हैं। सस्पेंस बना हुआ है सबका, बिल्कुल तैयार रहिए बेटा, पूरे साल भर जो हमने मेहनत की है यूट्यूब से लेके एप्लीकेशन से लेके ऑफलाइन तक, कोई बकवास नहीं, केवल मेहनत, और आगे भी जारी रहेगी बिना बकवास के, पूरी मेहनत, ठीक है। और वो मेहनत आपको दिखने वाली है 15 फरवरी को, जब आरएमएस का हम आपको रिजल्ट दिखाने वाले हैं, ठीक है जी। ओके, तो कितने, मैं एनडीए का भी दिखा रहा हूं बेटा, एक एक करके सबका दिखाता हूं, ठीक है जी। तो आपको रिजल्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आदित्य बागरी हैं, कुलदीप कंवर, इनका 20% था। उसके बाद हिमांशु पाराशर, रुद्र पाराशर, इनका 50% है, ठीक है जी। उसके बाद विराट गुप्ता, पिता का नाम है राजेश गुप्ता, इनका है 50%, ठीक है जी। उसके बाद शिवम चौधरी, पिता का नाम अशोक तंवर, और इनका है 50%, ठीक है जी। उसके बाद अभिनव सिंह, पिता का नाम है ब्रज बिहारी, और इनको भी 50% मिला है, ठीक है। यतिका, पिता का नाम रविंदर कुमार, इनको भी 50% मिला है। और बेटा ध्यान रखना, यतिका जो बच्ची है ये यश यादव की बहन है और दोनों बहन और भाइयों को स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है जी। उसके बाद शिवम त्रिपाठी, विमल किशोर त्रिपाठी, इनको भी 50% मिला है, ठीक है जी। उसके बाद आकाश, नरेश कुमार, इनको 100% मिला है, ठीक है जी। संयम आश्री, पिता का नाम है सुनील आश्री, 100% है। रचित,
अशोक कुमार 100% है, शिवांश गुप्ता, गिरीश गुप्ता 100% है, रुद्र प्रताप सिंह, रामहरि यादव 100% है, प्रंजय गेड़ा, तुषाल गेड़ा 100% है, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा वाला? कोई नहीं, ये तो ठीक है। उसके बाद अगला है आपका हुकुम तोकियो तारा, लेफ्टिनेंट कर्नल तोकियो तेई, ठीक है जी, इनको भी 100% मिला है। उसके बाद देवांश कटियार, दिलीप कुमार कटियार, इनको भी 100% मिला है, ठीक है जी। आयुष भट्ट, दिनेश चंद्र भट्ट, इनको भी 100% मिला है, ठीक है। तो 100% की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 9th क्लास के अंदर, ये 9th का रिजल्ट है बेटा, ये 9th का है स्कॉलरशिप का, केवल 9th की बातें हो रही हैं। 9th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर कुल मिलाकर के 30 बच्चों को स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, 30 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, केवल और केवल 9th क्लास के लिए, ठीक है। 9th के लिए 30 बच्चे सुखोई में स्कॉलरशिप पर पढ़ेंगे। फिर से बता दूं, ये स्कॉलरशिप सुखोई एकेडमी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आप अवेल कर सकते हो, ठीक है जी। सुखोई एकेडमी ऑनलाइन ऑफलाइन, एनडीए का नहीं है बेटा, ये 9th सैनिक का है, ये जो है 9th सैनिक आरएमएस का है, ठीक है जी, ये 9th सैनिक आरएमएस का है आपका, ठीक है जी। 30 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, पूरी लिस्ट में आपके लिए जारी कर दूंगा। और एक और बात मैं फिर से बता दूं, 7 दिनों के अंदर बेटा, 7 दिनों के अंदर आपको अवेल करना, मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा, 7 दिनों के अंदर मींस 19 फरवरी, ज्यादातर 20 फरवरी ले लीजिए, 20 फरवरी तक आपको आपका स्कॉलरशिप अवेल करना है। अगर नहीं अवेल करोगे तो मैं एक वेटिंग लिस्ट भी बता दूंगा, उस वेटिंग लिस्ट वाले को आपका स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है जी। तो 20 फरवरी तक आपको अवेल करना है, अगर आप अवेल नहीं करते हो तो आपसे नीचे वाला जो कैंडिडेट है उसको आपका स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा, इसका मतलब आपका वेटिंग लिस्ट वाले का चला जाएगा अगर 20 फरवरी तक आपने नहीं किया है। अब करना क्या है स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए, आपको हमारे नंबर पे भाई कॉल करना है और कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कराना है। 2 नंबर में उन्हीं जिन पेरेंट्स का है हम भी कॉल करेंगे उनको, और उनको मैं आपके 2 नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। ये क्लास 6th का है, 9th का है। अब मैं बात करता हूं क्लास 6th की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्लास 6th का, क्लास 6th का भी जो स्कॉलरशिप है वो भैया 9th से भी हम ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास 6th में जो बच्चे होते हैं वो 9th से ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए क्लास 6th में भी भैया 9th से ज़्यादा बच्चे हम ले रहे हैं, ठीक है। 9th से ज़्यादा बच्चे क्लास 6th में हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्लास 6th का रिजल्ट, और मैं आपके सामने भैया 6th में कितने बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट है, और 2 पेज का लिस्ट है, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बच्चे इस बार रहने वाले हैं, ठीक है, कितने ज्यादा बच्चे इस बार हमारे रहने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये बच्चों का मैं फिर से बता दूं, सुखोई में ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए मैं फिर से बता दूं, ये वो बच्चे हैं जो सुखोई के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, और पेड लिस्ट भी मैं पूरा का पूरा डाल दूंगा। सुखोई का जो एंट्रेंस एग्जाम था, जो 100% स्कॉलरशिप एग्जाम था, उसमें ये सेलेक्ट हुए हैं। और बेटा एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो, ये एक क्लास दिखाई थी अभी मैंने भैया 9th में, ठीक है। जितने बच्चे रुद्रांश झा का देखो 9th में बेटा, देख हुई है यहाँ पे, हमने पूरा का पूरा लिस्ट तो दे दिया, अब इसमें नाम आपका पूरा का नाम मैं आपको बता दूंगा, और आप नंबर भी अपने जान सकते हो कितने मार्क्स आपके रहे, आपका OMR मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम का ये रिजल्ट है, और 9th क्लास में 30 बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ भैया कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। स्कॉलरशिप का मतलब कि भाई अगर हम 9th में लगभग लगभग ऑफलाइन के अंदर 80 बच्चे रखेंगे, तो 30 बच्चे उसमें से स्कॉलरशिप पे रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद 6th का मैं बात करता हूँ, मोहम्मद साहिल सैफी, पिता का नाम है मोहम्मद आदिल सैफी, ठीक है, 20% इनका रहा है। उसके बाद अगला है शनाया, पिता का नाम है दशरथ, 20% रहा है, ठीक है जी। उसके बाद
अमित कुमार, पिता का नाम है महेंद्र कुमार, 20% रहा है, ठीक है। उसके बाद आर्यन सिंह, पिता का नाम है शेवा सिंह, 20% रहा है। राजवीर सिंह, पिता का नाम है सरोज कुमार, 20% रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आयुष राज, पिता का नाम है विक्रम कुमार, 20% रहा है। दिव्यांशु चौधरी, पिता का नाम है खाताराम, ठीक है जी, 20% रहा है। वेद यादव, पिता का नाम है जितेंद्र कुमार, 20% रहा है, ठीक है जी। दक्षित, पिता का नाम है देवेंद्र, 20% रहा है, ठीक है। और अभी बेटा लिस्ट बहुत है, 20, 50, 100 बहुत हैं बच्चे। पीयूष शर्मा, ठीक है, पीयूष शर्मा, पिता का नाम है अंजनी कुमार, ठीक है जी, इनको भी 20%, ठीक है जी। उसके बाद सौरभ बनर्जी, पिता का नाम है संदीप बनर्जी, इनको भी 20% मिला है, ठीक है जी। श्रुतिका संदीप लोखंडे, ठीक है, संदीप लोखंडे, इनको भी 20% मिला है, ठीक है जी। उसके बाद प्रशांत कुमार, संजीव कुमार, 20% है, ठीक है। हर्ष सिंह, शरद यादव, 20% है, ठीक है। उसके बाद आपका ध्रुव जायसवाल, राजकुमार जायसवाल, 20%। कुश कुमार गिरी, सरोज कुमार गिरी, 20% है, ठीक है जी। उसके बाद सौर्य चौधरी, रजनेश कुमार, ये भी 20% है, ठीक है जी। उसके बाद विष्णु अशोक कुमार, 20%, ठीक है जी। ईश्वरी नितिन हवाते, ठीक है जी, नितिन जलवा हवाते, 20% है, ठीक है जी। उसके बाद आयुष सिंह, सुनील सिंह, 20% है। नमिश नवदीप सिंह, 20% है, ठीक है जी। उसके बाद ब्रजेश प्रताप सिंह, श्रीपाल सिंह, 20% है, ठीक है। उसके बाद भी आपका आर्यन कुमार, मुन्ना कुमार भगत, ठीक है जी, ये भी 20%। अभी तो बेटा 20 वाले ही चल रहे हैं, अभी तो 50 वाले भी बहुत आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद रुद्र चौधरी, कपिल चौधरी, 20% है, ठीक है। और अब है 50% का, सिकंदर रणविजय, 50% है, ठीक है जी। सिद्धांत सिंह, अनूप सिंह, 50% है। वंदिता भाटी, कुंभ सिंह, 50% है। दिशांत, मारुति कुमार, 50% है। आदित्य साहा, क्या है, किशन देव शाह, ठीक है जी, ये भी हैं 50%। संदेश पाटिल और उवा राजा, 50% हैं। अमोघ भारद्वाज और चंद्रकांत, 50% है। यश कुमार, सुनील यादव, 50% है। आयुष डेविड, राम निवास, 50% है, ठीक है जी। लक्ष्य विजेंदर, 50% है। विकी कुमार, मुन्ना कुमार, 50% है, ठीक है जी। अव्यावन पांडे, मिथिलेश कुमार, 50% है। युवराज मिश्रा, सुधांशु मिश्रा, 50% है, ठीक है जी। उसके बाद प्रियांशु यादव, निरंजन सिंह यादव, 50% है, ठीक है जी। धनराज जलावड़ी, 50% है। यशवर्धन रावल, अनिल कुमार रावल, 50% है, ठीक है जी। गगन जसवीर सिंह, 50% है। उसके बाद दक्ष गुप्ता, सौरभ गुप्ता, 50% है, ठीक है जी। उसके बाद आयुष रंजन, संतोष कुमार, 50% है। अस्मित राज, वीरेंद्र मोची, 50% है, ठीक है जी। यशांश यादव, कृष्णा, 50% है, ठीक है जी। उसके बाद गौरव है, भूरी सिंह, और इनका है 100%, ठीक है। अब ये 100 वाले गिन लेना कितने बच्चे हैं बेटा, ठीक है जी। खुशी यदुवंशी, रोशन कुमार, 100%। तुषार मिश्रा, हाँ बस बस, देखो बेटा, यूपी सैनिक में पास आउट हो, सैनिक में पास आउट हो, फला में पास आउट हो, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, जिस बच्चे ने 4 फरवरी का स्कॉलरशिप एग्जाम दिया है बेटा, जिस बच्चे ने 4 फरवरी का एग्जाम दिया है ना, उस बच्चे को ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। अब भैया मुझे क्या पता कि फला बच्चे का यूपी सैनिक में हो गया,
आप खुद बताइए, मुझे क्या पता कि फलां भाई किसी सुनील कुमार या किसी अनिल कुमार का आरएमएस में हो गया है, जो कहां से था, जो फलाना चेन्नई से है, और उसको क्यों दे दिया। ठीक है बेटा, एक और चीज बता दूं, जो भी कॉपी चेक हुई है वो मशीन से कॉपी चेक हुई है, क्योंकि ओएमआर मशीन हमने इस बार रखी थी, ओएमआर मशीन से कॉपी चेक हुई है, तो उस चीज का कोई भी टेंशन आपको है नहीं। ठीक है, रिजल्ट जो बना है टोटली, वो रिजल्ट जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से ही रिजल्ट आपका बनाया गया है। ठीक है, तो भाई किसी का हो जाता है 20, या किसी का हो जाता है 50, या किसी का आरएमएस सैनिक हो गया, उस चीज से नहीं, टोटली 4 फरवरी के स्कॉलरशिप एग्जाम को जिसने भी पेपर दिया है उसको मिल रहा है। ठीक है, और जो रह गया है वो बहुत सारे बच्चे पेड लिस्ट में आएंगे, और जो और भाई जो नहीं आएंगे पेड लिस्ट में, वो अपना मेहनत करते रहिए लगातार, क्योंकि मेहनत, देखो हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, मैं फिर से बता दूं, हमारे पास बेटा लिमिटेड सीट्स हैं, सुखोई में लिमिटेड ही सीट्स होती हैं। मैं आपको बताऊं, सुखोई में हमारी सारी ब्रांचेज पे लगभग 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 भाई सुखोई में 6th 9th में हमारी 270 सीट्स हैं, हमारे यहाँ पे फरीदाबाद में, उसके अलावा लखनऊ में हमारा 140 के करीब सीट्स हैं 6th 9th का। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से ये रिजल्ट आपका तैयार किया गया है। ठीक है, लगभग 1500 बच्चों ने दिया है, और 1500 बच्चों में से 120-130 बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ठीक है जी, तुषार मिश्रा, अजय मिश्रा 100%, अर्णव सिंह, कुमार केशव 100%, ठीक है जी, कृष्ण वर्मा, रवि राम 100%, दार्शी कौशिक, पंकज कौशिक 100%, लक्ष्य यादव, रामकृष्ण यादव 100%, अंशुमन यादव, सतीश कुमार यादव 100%, ठीक है जी, उसके बाद मानविंदर सिंह, जसविंदर सिंह 100%, ठीक है जी, यश कुशवाहा, रविंदर सिंह 100%, राज रघुवंशी, विजय कुमार 100%, आशीष भारद्वाज, शेर सिंह 100%, साई जयप्रकाश झा 100%, सुयश शुक्ला, अजीत कुमार 100%, और लक्ष्य यादव, रामपाल 100%। ठीक है बेटा, तो लिख लो कितने बच्चों का हो गया है सिक्स्थ में हो गया 60 बच्चों का। सिक्स्थ में कितने बच्चों को? 60 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं बेटा, केवल सिक्स्थ के अंदर 60 बच्चों को। अब बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सर स्कॉलरशिप तो नहीं दिया, अरे बेटा एक बात सिंपल मैं पेरेंट्स से भी कहूंगा, भाई अगर हम 100% सबको दे देंगे तो भैया संस्थान भी चलाना होता है, टीचर्स भी होते हैं, ठीक है, सारी चीजें होती हैं। तो अगर पेरेंट्स का ये रहे कि नहीं भाई सुखोई का तो ना आप स्कॉलरशिप बांटते हैं और फ्री में इतना सारा दे देते हैं, तो हम तो फ्री में ही जाएंगे वहां, फ्री में वो आता है सुखोई में जो डिजर्विंग है। ठीक है जी, जो डिजर्विंग है वो फ्री में आता है। ओके, एनडीए का मैं बस दिखा रहा हूं, पहले मैंने 9th का दिखा दिया, फिर मैं 6th का दिखा रहा हूं, अब मैं एनडीए का दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गए हमारे भैया आपके 30 बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं 9th में। पूरा लिस्ट में वेबसाइट पे अपलोड करा दूंगा, टेलीग्राम में अपलोड करा दूंगा, अपना अपना नाम चेक कर सकते हैं। पेड लिस्ट जो है ये वेबसाइट पे आ जाएगी, पेड जो सीट्स हैं ये वेबसाइट पे आ जाएगी। ठीक है, पेड जो सीट्स रहेंगी ये आपका वेबसाइट पे, इसका लिस्ट वेबसाइट पे पेड सीट का गिर जाएगा, वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पे आप हमारी पेड सीट को भी देख सकते हैं। अब मैं एनडीए का बताने वाला हूँ, एनडीए में भी देखो हमारा शुरुआत का बैच है, पहला बैच है, और पहले बैच में भी भैया हम स्कॉलरशिप ना भर भर के दे रहे हैं, क्योंकि सुखोई ना बेटा कभी पैसे के लिए रहा था, ना कभी पैसे से लगाव हमें रहता है। ठीक है, भगवान का भाई दिया हुआ है, तो जितना भी हमें चाहिए उतना हमें मिल रहा है, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज रिजल्ट है, हम बस रिजल्ट ओरिएंटेड रहना चाहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे तो भगवान का सब कुछ रहेगा। मेहनत जैसी पहले थी ऐसी ही मेहनत आपका हुई है। सर जिसका 80% हो तो बेटा 80% कैसे हो जाएगा स्कॉलरशिप, 80% कैसे हो जाएगा। अब मैं एक और चीज बता देता हूँ, कुछ बच्चे जिन्होंने 9th एनडीए का भी दिया था और 9th सैनिक का भी दिया था, उनका भी मैं लिस्ट आपको दिखा दूंगा। ठीक है, 9th एनडीए और 9th सैनिक दोनों का दिया था, उनका भी मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई इन बच्चों ने दोनों का एग्जाम दिया था,
एक का ही वो चूज कर सकते हैं, या तो वो एनडीए का चूज कर सकते हैं या फिर वो सैनिक का चूज कर सकते हैं। ठीक है, पेड कब आएगा? पेड लिस्ट जो है आपका मॉर्निंग तक आपकी डाल दी जाएगी, पेड लिस्ट जो रहेगी मॉर्निंग तक डाल दी जाएगी। ठीक है जी, ओके। तो ये चीज आपको याद रखना है, 100% में हो गया अंशुमन यादव का। बहुत 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 भाई आपको बधाइयां हैं हमारी तरफ से। ठीक है, और मैं फिर से बता दूं बेटा, ये जो हम लिस्ट जारी कर रहे हैं ये उन बच्चों की है जिन्होंने 4 फरवरी को सुखोई का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। 1,500 से ज्यादा बच्चे आए थे, 1,500 से ज्यादा बच्चे प्रेजेंट थे सुखोई के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास ऑफलाइन में, और हम एंट्रेंस एग्जाम से ही लेते हैं बेटा। और उस एंट्रेंस एग्जाम में जो डिजर्विंग है उसको हम 100%, 50%, 20% देते हैं। देते हैं मतलब बिल्कुल देते हैं। 1 साल तक किसी के बच्चे को फ्री पढ़ाना भाई बहुत हिम्मत की काम होता है, और कोशिश हम करते हैं कि भैया अच्छा बच्चा रहे, डिजर्विंग बच्चा रहे, और ऐसा बच्चा रहे जो ये ना फील करे कि भैया हमारे पैसे की वजह से हमारा सिलेक्शन रह गया। तो पैसे वाला जो है ना वो हमने बिल्कुल हटा दिया है कि पैसे का आप टेंशन आपको लेना नहीं है। अगर आप पढ़ते हो, आप बेहतर करते हो, तो सुखोई आपको बिल्कुल फ्री भैया पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन बेहतर आपको करना होगा, आपको लगातार पढ़ाई जैसी चल रही है वो करनी होगी। अब बहुत सारे भाई मैं उनको जवाब भी देना चाहूंगा जो कहते हैं कि भैया क्या होता है स्कॉलरशिप से, हम तो भैया नहीं देंगे और भैया हम तो पूरी फीस लेंगे। देखो भाई कुछ नहीं होता, बस सोच का फर्क होता है। ठीक है, बस थोड़ी सी सोच का फर्क होता है कि भाई नहीं हम तो पूरा फीस लेंगे, भाई हमें तो सबसे, भाई कोई कम कमा रहा हो ज्यादा कमा रहा हो हमको तो सबसे क्या चाहिए, पूरा। लेकिन हम जो डिजर्विंग कैंडिडेट है भाई उसको बिल्कुल बिल्कुल फ्री चीजें हम देना चाहते हैं, और हमेशा से। ये पहली बार नहीं हुआ, पहली बार आरएमएस और आरआईएमसी का इंटरव्यू हम फ्री नहीं करा रहे हैं, हर साल कराते हैं। 4 साल से, 4 साल से स्कॉलरशिप कराते हैं, 4 साल से बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। ठीक है, तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को भाई ये दिमाग में ना रहे कि मम्मी पापा का पैसा खर्च होगा, मम्मी पापा का भाई बर्डन आएगा मम्मी पापा के ऊपर, क्योंकि ऐसे ऐसे गरीब बच्चों को भाई हमने पिछले कई साल में पढ़ाया है जो बहुत भाई, जिनके पेरेंट्स गरीब थे और आज वो आरआईएमसी और आरएमएस में पहुंच चुके हैं, और कई एग्जाम्पल हैं पिछले साल से ही, कई एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये जो हमारा है ये 6th का है, दोबारा से मैं आपको दिखा दूंगा, ये हमारा 6th का है। ठीक है जी, उसके बाद मैं आखिर में एनडीए का, क्योंकि देखो एनडीए का बेटा हमारा पहली बार है, तो एनडीए में हमने कोशिश की है कि इतना बड़ा तो हम नहीं दे पाएंगे एनडीए में। ठीक है, इतने ज्यादा बच्चे तो 60-65 बच्चे तो बेटा हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमने फिर भी पूरी तरीके से कोशिश की है कि हम इतने बच्चे दें कि भैया हमारा भी खर्चा चले, हमारे भी टीचर्स का सैलरी रहे और आप पे भी कोई बर्डन ना हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं शुरुआत करूंगा एनडीए में आपका आखिर से। ठीक है ना, आखिर से शुरुआत करूंगा मैं। ठीक है जी, चलिए तो एनडीए का मैं फिर से बता देता हूं बेटा, एनडीए का जो है लगभग 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 9th और 11th दोनों के लिए है बेटा, 9th और 11th दोनों के लिए है एनडीए का। ठीक है, चलिए शुरुआत करूंगा मैं 20% के साथ। 20% जो रहा है वो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा ज्योति का, पिता का नाम है गगन प्रताप। ठीक है जी, उसके बाद है दरक्षा, पिता का नाम है साहिल। ठीक है जी, मोहित शर्मा, पिता का नाम राजेश शर्मा। अमन चौहान, विशाल जीत, सुमित सिंह, फादर नेम संजय सिंह। ठीक है जी, यशिका यादव, शेरपाल सिंह, यश यादव, शेरपाल सिंह। इनका मैं दोनों का बता देना चाहता हूं, इनका बेटा सैनिक और एनडीए दोनों के लिए हुआ है, और जिन बच्चों का सैनिक और एनडीए दोनों के लिए हुआ है मैं उनको बोल देना चाहूंगा बेटा केवल एक में ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, केवल एक के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, या तो सैनिक का स्कॉलरशिप लो या भैया एनडीए का लो। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सैनिक एनडीए दोनों का दिया, और दोनों ही जो है बहन भाई हैं, यश यादव और यशिका यादव। ठीक है जी, उसके बाद विख्यात भट्ट, रोशन भट्ट, इनको भी कितना मिला है, इनको भी 20% मिला है। ठीक है जी, उसके बाद शुक मेहर सिंह, परमिंदर सिंह, 20% है। शशिकांत कुमार, राम प्रवेश पाल, इनको भी 20% है। ठीक है जी, उसके बाद पार्थ विलास तोसकर, विलास वासुदेव, इनको भी 20% रहा है। मानसी सिंह, ठीक
ठीक है जी, बाग बहादुर सिंह, इनको भी 20% रहा है। इसके अलावा लुइस ठाकुर, सुनील कुमार ठाकुर, इनको भी 20% रहा है। कुमार अमृतांश दीक्षित, अंकित दीक्षित, इनको भी 20% मिला है। ठीक है जी, उसके बाद कार्तिकेय पांडे, संजय कुमार पांडे, 20% मिला है। ठीक है जी, हर्षित संजीव कुमार, इनको भी 20% मिला है। ठीक है जी, दिव्यांशु बासु, विनोद कुमार, 20% मिला है। भव्या चिकारा, परविंदर कुमार, 20% मिला है। एंजल गुप्ता, रामजी गुप्ता, इनको भी 20% मिला है। ठीक है जी, उसके बाद आदित्य राज, विजय सिंह, 20% है। प्रिंस ब्रह्मपाल, ये 50% में है। ठीक है जी, उसके बाद विशाल रामफल, 50% में है। प्रशांत तिवारी, आजाद तिवारी, 50% में है। आरव जगमोहन शर्मा, 50% में है। यश शर्मा, संजीव कुमार, 50% में है। वरदान चौधरी, विनोद कुमार, 50% में है। राहुल मीना, भागचंद मीना, 50% में है। प्रीति चंदेल, चनन सिंह चंदेल, 50% में है। ठीक है जी, उसके बाद हिमांशु यादव, वासुदेव यादव, 50% में है। अर्पिता पांडे, संजय कुमार पांडे, 50% में है। ठीक है जी, उसके बाद वेरोनिका, अभिषेक शर्मा, 100% में है। रण विजय सिंह, आकाश विजय सिंह, 100% में है। यशस्वी प्रताप सिंह, दिग्विजय सिंह, 100% में है। पूनम सर्वेश मिश्रा, 100% में है। शिवांश गुप्ता, ग्रीश गुप्ता, 100% में है। रविंद्र भाडू, धानाराम, 100% में है। राहुल सारस्वत, दिलीप कुमार, 100%। रचित अशोक कुमार, 100%। लक्ष्य भारद्वाज, पवन कुमार, 100% में है। ठीक है, तो ये हैं लगभग लगभग आपके 30+ बच्चे हैं, 30-35 बच्चे हैं जिनको हम दे रहे हैं एनडीए का। ठीक है जी, 35 के करीब बच्चे हैं, 30-35 बच्चे जिनको एनडीए का स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 125 बच्चों को सुखोई इस बार दे रहा है बेटा, 125 बच्चों को सुखोई एकेडमी स्कॉलरशिप दे रहा है, 125 बच्चों को। भाई कोई फर्क नहीं होता भाई, एक सोच का फर्क होता है। ठीक है, एक छोटी सी सोच का फर्क होता है, बच्चों के भविष्य का, बच्चों के भाग्य का सुधारने का फर्क होता है। ठीक है, तो सुखोई अकेडमी भैया जो कहती है वो करती है। बोला था मैंने पिछली बार 61 को दिया था, इस बार हो सकता है कि डबल भी हो जाएं, और बिल्कुल हमने कोशिश किया भैया डबल से भी ज्यादा, क्योंकि इतना पेरेंट्स का जो विश्वास होता है वो विश्वास टूट ना जाए, क्योंकि सुखोई अगर चलता है तो विश्वास से चलता है। ठीक है, सुखोई अगर चलता है तो विश्वास से चलता है, और विश्वास से चलता है, और यही विश्वास आपके लिए क्या है, सबसे बड़ी चीज है। यही विश्वास आपके लिए, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। और जिन भी बच्चों का हुआ है, ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, और ये लिस्ट जिन बच्चों का भी भाई सुखोई के लिए स्कॉलरशिप हुआ है, उनको 7 दिनों के अंदर 20 फरवरी तक अपना सीट कंफर्म कराना है। अगर सीट कंफर्म नहीं करा पाते हैं तो भाई आपका क्या रहेगा, सीट आपका रिजर्व कैंडिडेट को दे दिया जाएगा, या आपसे नीचे वाले कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। तो 20 फरवरी तक आपको अपना जो भी आपका रजिस्ट्रेशन कराना है वो रजिस्ट्रेशन, और एक एक बच्चा जिनका लिस्ट में भाई 100%, 50% में है, 20% में है, उनको कॉल भी सुखोई की तरफ से पेड सीट बेटा वो होती है। देखो एक बात बताइए भाई, हमको भी अपने टीचर्स को सैलरी देना है, हमारा भी इतना सिस्टम है तो उसको चलाना होता है। ठीक है, मशीनरी के लिए तो पेड सीट की भी ज़रूरत होती है। पेड सीट का मतलब सुखोई में अगर आप भाई कुछ सीट्स रखी गई हैं जिनको आप पैसे देके भी आ सकते हो, क्योंकि देखो अमेरिका से मदद नहीं आती सुखोई को, कि अमेरिका से मदद आती है कि भाई उसको हम क्या करेंगे, सभी को चलो फ्री पढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो इतना तो भाई सुखोई को चाहिए होता है कि भाई वो अपना खर्चा निकाल सके, और हमारे लिए सबसे बड़ी चीज रिजल्ट है। ठीक है, हमारे अंदर भाई सबसे बड़ी सनक जो है वो रिजल्ट की है, तो रिजल्ट के लिए हम काम करते हैं, और रिजल्ट के लिए लगातार प्रतिबद्ध हम रहते हैं। 15 फरवरी को बेटा रिजल्ट हम दिखा रहे हैं सुखोई का, एक एक बच्चे को दिखाने वाले हैं, एक एक इंटरव्यू लेटर दिखाने वाले हैं, और इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा रिजल्ट है बेटा, आप ना गिनते गिनते थक जाओगे। जो लेके घूमते हैं ना 10 सिलेक्शन, 12 सिलेक्शन, 15 सिलेक्शन लेके जो घूमते हैं, और फिर चिल्लाते हैं कि सुखोई कुछ नहीं कर रहा, सुखोई तो रिजल्ट ही नहीं दे रहा, सुखोई तो बेटा
बेटा जितने मैं उनको कहना चाहूंगा, वैसे मैं किसी को नहीं कहता कुछ, लेकिन मैं सिंपल सी चीज कहना चाहूंगा कि भाई अपनी चीजों पे आप ध्यान दीजिए। सुखोई हमेशा अपने ऊपर ध्यान देता है, सुखोई के हमेशा अपने बच्चों के भविष्य पे ध्यान देता है, और फालतू की चीजें ना हमें करनी आती थी ना भैया हम करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज बच्चे हैं, सबसे बड़ी चीज उनका रिजल्ट है, उनकी मेहनत है, और वो मेहनत इस साल भी लगातार जारी रहने वाली है। 15 फरवरी से आपके शुरू हो जाने वाले हैं जो बैच है, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन का जो बैच है वो 15 फरवरी से आपका बैच शुरू हो रहा है। तो ऑनलाइन बैच जो है वो 15 फरवरी से है, और आपको मैं बता दूं जितने भी बच्चे स्कॉलरशिप में हुए हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी चाहे अपनी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपका स्कॉलरशिप अवेल हो जाएगा, ठीक है जी। और जितने भी बच्चों ने स्कॉलरशिप दिया है उनके लिए मैं बता देता हूँ 10% लेस रहने वाला है आपके ऑनलाइन बैच में। जो बच्चे स्कॉलरशिप में अपियर हुए हैं उनके लिए 10% लेस रहने वाला है, ठीक है, जो स्कॉलरशिप में अपियर हुए हैं उन सबके लिए 10% ऑफ रहने वाला है आपका। किसके अंदर 10% ऑफ होने वाला है? ऑनलाइन बैच में। ऑनलाइन बैच में हर किसी उस बंदे को जो अपियर हुआ है 10% का छूट मिलेगा, ठीक है जी। आरएमएस 100% स्कॉलरशिप में बेटा काफी नंबर लाने होते हैं। अब उनके लिए जिनका नहीं हुआ, ठीक है जी, अब है उनके लिए जिनका नहीं हुआ है, क्या सुखोई दोबारा मौका देगा? जी हाँ, सुखोई एक बार फिर से मौका दे रहा है आपको 17 मार्च का, ठीक है जी। जिनका नहीं हुआ है मैं बता देना चाहता हूँ, जिनका नहीं हुआ है वो 17 मार्च को दोबारा से पेपर दे सकते हैं, या जिनका 20% हुआ है उनको 100 चाहिए तो वो भी दोबारा दे सकते हैं, 50 वाला हुआ है उनको भी चाहिए, है ना। लेकिन स्कॉलरशिप एक ही अवेल आप कर सकते हो, जो आपको मिल रही है उसी स्कॉलरशिप को आप अवेल कर सकते हो। तो जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ऑप्शन है 17 मार्च को, ठीक है जी। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए 17 मार्च को आपका दूसरा स्कॉलरशिप एग्जाम है, हमारा दूसरा स्कॉलरशिप एग्जाम है, और एक और मौका आपके पास बचा हुआ है। एग्जाम जो पेपर है, ठीक है, पेपर जो है मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, आपको पता चल गया होगा सुखोई कैसे भाई एग्जाम लेता है, कैसे पेपर सुखोई बनाता है। तो आपके लिए मैंने सारी चीजें आपकी डाल दी हैं टेलीग्राम के अंदर, और 20 फरवरी तक आपका सीट कंफर्म करना है बेटा। रजिस्ट्रेशन जो आपको करना है 20 फरवरी तक करना है, और जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन बच्चों को एक नंबर हमारा होता है, उस नंबर पे जाके आप क्या करोगे, अपने आप को रजिस्टर कराओगे, बोलोगे हाँ जी हमारा हो गया, 100 में हुआ, लेकिन कम से कम बताना है, ठीक है। मार्क्स दिखाओ बेटा, सबके मार्क्स में नहीं दिखा सकता, ठीक है, ओके। मार्क्स का मैं आपको एक चीज बता दूं, लगभग 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 अगर मैं सिक्स्थ की बात करूं तो 100% जिसको लास्ट मिला है ना, वो लगभग लगभग उसका अराउंड अराउंड 80% के करीब नंबर रहे हैं, ठीक है, 80% के करीब नंबर उसके रहे हैं जिसको 100% मिला है। क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि भाई 300 का भी पेपर है सिक्स्थ में, और आपका मींस 125 क्वेश्चंस भी हैं सिक्स्थ में, और आपके 120 क्वेश्चंस भी हैं सिक्स्थ में, ठीक है। तो क्वेश्चंस का सेट के हिसाब से थोड़ा है कि भाई जिनका ए सेट है या बी सेट है या सी सेट है उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हैं, ठीक है। सेट भी अलग है क्योंकि भाई जैसा जिसका अटेम्प्ट है उसी हिसाब से आपकी चीजें हो रही है। चलो उसके बाद किन किन का हुआ बेटा, रिजल्ट मैंने दिखा दिया है। पेड सीट में क्या होता है भैया, पेड सीट में सुखोई को आपको फीस देनी होगी। पेड सीट का मतलब है फीस पे। सेलेक्टेड बच्चों के नंबर दिखाओ भैया, सेलेक्टेड बच्चों के नंबर आ रहे हैं। आरएमएस का जो सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको फिर से बता दूं, आरएमएस का जो सिलेक्शन हुआ है उसका वीडियो हम लेके आने वाले हैं 15 फरवरी को, ठीक है। 15 फरवरी को जिनका भी आरएमएस में सिलेक्शन हुआ है उनका 15 फरवरी को वीडियो हम ला रहे हैं, सबका इंटरव्यू लेटर, और बच्चे जो भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं हमारे ऑफलाइन वाले, उन सब से हम आपको मिलवाएंगे। अब ये जितने भी बच्चे हैं इनका पेड शीट का मार्क्स का मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, कोई पेपर 250 का भी था, मतलब 350 का भी था, कोई पेपर 400 का भी था, कोई पेपर 300 का भी है, ठीक है। और अगर मैं मार्क्स शो कर देता हूँ तो आपका ना फिर वो रहेगा कि डिफरेंशिएशन आप रखोगे कि नहीं उसका तो 9th में इतने पे दे दिया, क्योंकि 9th में 400 का होता है, 9th में 300 का भी हमने रखा है, 9th का जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनके लिए रीजनिंग नहीं थी, ठीक है जी। फुल लिस्ट टेलीग्राम पे आएगा, बिल्कुल आएगा। एनडीए का मैंने
डाल दिया है, पेड लिस्ट सुबह तक आ जाएगी। नंबर कैसे देखें, नंबर का भी मेटा मैं पूरा का पूरा आपको लिस्ट, देखो मैं पता है क्या चाहता हूँ, जिनका सेलेक्टेड कैंडिडेट है ना उनका मैं लिस्ट नंबर का जारी कर दूंगा, ठीक है। सेलेक्टेड कैंडिडेट का मैं नंबर का लिस्ट जारी कर दूंगा, ठीक है जी। सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनका मैं जारी करवा दूंगा, चलिए ठीक है। सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स मैं जारी करवा दूंगा, ठीक है। चलो भाई, सबके मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई किसी बच्चे के अगर बहुत कम नंबर आए हैं और वो नहीं चाहता कि मेरा नाम कहीं दिखे, ठीक है, तो सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके मैं मार्क्स जारी करवा दूंगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स मैं जारी करवा दूंगा कल तक, ठीक है। जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, कैसे भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, सुखोई अकेडमी की वेबसाइट है, वहां पे आपको पूरे रिजल्ट मार्क्स के साथ मिल जाएगा, ओके। अब तो टेंशन नहीं है ना आपको। चलो उसके बाद सर, आरएमएस में 100% लाने के लिए बेटा 80% तो लाने हैं, 100% स्कॉलरशिप चाहिए तो 80% मार्क्स तो कम से कम आप रखिए, 80% तो चाहिए ही चाहिए, 80% से ऊपर पेड सीट का, पेड सीट बेटा, पेड सीट सुबह तक आ जाएगी, बिल्कुल। फॉर्म भरिए बेटा, फॉर्म भरिए, वेबसाइट लिंक दिया गया है, मैं आपको बता दूं 17 मार्च का जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और मैं फिर से बता दूं भाई, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, मैंने बोला था इस बार स्कॉलरशिप भर भर के देने वाले हैं भैया, भर भर के देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी सनक है आपके सिलेक्शन की, ठीक है जी भाई। रिजल्ट देते हैं इसीलिए ऑफ भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं। और जिनको भाई सुखोई की स्कॉलरशिप से दिक्कत है तो वो भाई कृपया करके अपने रिजल्ट पे और अपने काम पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वेटिंग का मतलब है वो बच्चे जो भाई इस लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है जी। पेड सीट वाले जो हैं वो बेटा आपकी लिस्ट टेलीग्राम पे भी जारी हो जाएगी और आपकी लिस्ट जो है वो आपकी जो वेबसाइट है वहां भी जारी हो जाएगी, ठीक है जी, ओके। हाँ बिल्कुल, फॉर्म भर सकते हैं। मार्क्स बता दो, मार्क्स का मैं आपको बता रहा हूँ, मार्क्स मैं आपको बताने वाला हूँ कल लिस्ट के साथ साथ। बेटा मैं एक एक का मार्क्स बताने लगा ना तो ये वीडियो हो जाएगी 3 घंटे की, ठीक है। एक एक का मैं मार्क्स बता दूं तो 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो आपको क्या करना, मैं पहले सारी चीजें बता देता हूँ। सारी चीजें ये रही हैं कि 9th में 30 बच्चों को स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, 60 बच्चों को 6th में दे रहे हैं, एनडीए में 30 से 35 बच्चे, मैंने काउंट नहीं किया, 30 to 35 के करीब बच्चे हैं, तो लगभग 125 बच्चे सुखोई में इस बार स्कॉलरशिप में आपके हुए हैं। 125 स्टूडेंट इस बार स्कॉलरशिप ले रहे हैं, 125 स्टूडेंट स्कॉलरशिप ले रहे हैं इस बार, 125 स्टूडेंट स्कॉलरशिप ले रहे हैं सुखोई का, जिसमें से लगभग 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 आपके 15, 10, 10, 15, 10, 10, 10, 20, 20, 35, लगभग लगभग 35 से 40 बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं, 35 से 40 बच्चे सुखोई में बिल्कुल जीरो अमाउंट में पढ़ेंगे, जीरो अमाउंट में सुखोई में 40 बच्चे लगभग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस साल सुखोई 40 बच्चों से एक भी पैसा नहीं लेने वाला है, अरे सब फ्री होता भैया। मैं फिर से बता दूं, ये जो दिमाग में रहता है ना बेटा, आईआईटी वाले इंस्टीट्यूशन नहीं है कि 20% फीस में लेस रहेगा, फ्री का मतलब फ्री होता है बेटा, फ्री में क्या आता है, टोटल फ्री, ठीक है, फ्री का मतलब होता है बेटा टोटल फ्री। जिस दिन आओगे और जिस दिन जाओगे उस दिन आपसे एक पैसा हम नहीं ले रहे वाले हैं, ठीक है, जिस दिन आओगे और जिस दिन जाओगे एक भी आपसे नहीं लेने वाले हैं, ये टोटल फ्री आपका रहने वाला है, ठीक है जी। अरे भैया 17 मार्च का भी है, भरिए फॉर्म, सबके लिए है, जिन भर चुके हैं उनके लिए भी है, जिन्होंने नहीं भरा उनके लिए भी है। 1 अप्रैल जिनका 1 अप्रैल 2013 के बाद है, ठीक है जी, 6th के लिए भरिए फॉर्म, 1 अप्रैल 2010 के बाद है, 9th के लिए भरिए फॉर्म। और बेटा किसी का कुछ नहीं जा रहा, फॉर्म भरना है, पेपर देने आना है, अच्छा कर दोगे तो एक साल सुखोई में बिल्कुल टोटल फ्री पढ़ोगे, रहना खाना पढ़ाई किताबें सब कुछ फ्री, फ्री का मतलब फ्री होता है, सिंपल सी चीज है, फ्री का मतलब होता है फ्री, ओके।
बेटा जीरो अटेम्प्ट का मतलब है जिन बच्चों का अभी कोई भी सैनिक मिलिट्री का अटेम्प्ट नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब होता है जिसका पहला अटेम्प्ट अभी आएगा। लास्ट अटेम्प्ट का मतलब होता है जो एक अटेम्प्ट दे चुका है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई। अब भैया थैंक यू बोल दो जिन बच्चों का हुआ है। हाँ जी, अरे 4 साल की स्कॉलरशिप नहीं है भैया, इतना भी मदद हमारे पास किसी का विदेश से नहीं आती, विदेश से कोई मदद आती हो। हर साल स्कॉलरशिप होता है, हर साल। ठीक है जी, हर साल स्कॉलरशिप होता है, और हर साल स्कॉलरशिप होता है तो आपको हर साल क्या करना है, हर साल आपको भाई स्कॉलरशिप देना होगा, हर साल आपको स्कॉलरशिप देना होगा। रुद्र प्रताप सिंह के पिता का नाम है बेटा राम हरि यादव। ठीक है, रुद्र प्रताप सिंह राम हरि यादव 100% स्कॉलरशिप है बेटा। तो आप पूछ रहे थे, रुद्र प्रताप के पिता का नाम राम हरि यादव है। तो ये था हमारा एनडीए का, मैं फिर से बता देता हूँ, 100% वाले ये बच्चे हैं एनडीए में जिनको 100 मिला है। ठीक है, उसके बाद 50% वाले बच्चे लिस्ट में आपको दे दूंगा। उसके बाद मैं अगर सिक्स की बात करूँ तो सिक्स में ये 100% वाले बच्चे हैं। ठीक है जी, उसके बाद 50% वाले, 20% वाले बच्चे हैं। नाइन्थ की अगर मैं बात करूँ तो नाइन्थ में ये 100% वाले बच्चे हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके 50% वाले बच्चे हैं, 20% वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 125 बच्चे, 125 बच्चे सुखोई इस बार कर रहा है, 125। ठीक है, और भाई उनके लिए भी पूरे साल भर मेहनत हमने की है। ऑनलाइन में जो हमसे पढ़े, यूट्यूब से भले ही पढ़े हों, आरएमएस जिनका निकला है यूट्यूब से हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां हैं। आपके भविष्य में थोड़ा सा भाई हमारा भी योगदान रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी हमारा योगदान रहेगा, ये हम भाई हमेशा ये चीज महसूस करेंगे, हमेशा इस चीज का हमें गौरवान्वित रहेगा कि भाई हमारे कोई बच्चा हमारा, भले ही वो यूट्यूब से पढ़ा हो, कहीं से पढ़ा हो, वो किसी ना किसी अच्छे संस्थान में बेहतर कर रहा है। ठीक है, पूरी लिस्ट आ जाएगी, पूरी लिस्ट है बेटा, ये पूरी लिस्ट है, ये मैं वेबसाइट पे आपके लिए डाल दूंगा। वेबसाइट पे आपको पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगा, सुखोई एकेडमी की वेबसाइट आपको जाना है, वहां पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, सुखोई एकेडमी की वेबसाइट पे जाओगे और सुखोई एकेडमी की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। और इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मैं ये लिस्ट डलवा दूंगा, और नंबर के साथ मैं लिस्ट डलवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है जी, वेबसाइट पे और आपके टेलीग्राम पे दोनों पे ये लिस्ट आपकी डाल दी जाएगी। 125 बच्चे, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ बेटा ये नंबर, 125 बच्चों को सुखोई स्कॉलरशिप दे रहा है। 125 बच्चे सुखोई में ऑफ पे यानी स्कॉलरशिप पे पढ़ने वाले हैं, 125 बच्चे। अब कहोगे सर कहाँ से इतना पैसा ला रहे हो? भैया सुखोई हमेशा 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 आपकी बेहतरी के लिए काम करता है, और खर्चा तो निकल ही जाएगा भाई, इतना तो भगवान दे देता है। ठीक है कि भाई खर्चा तो ऊपर वाला निकलवा देगा, लेकिन रिजल्ट जो आएगा बेटा 15 फरवरी को, क्योंकि रिजल्ट से पहले रिजल्ट दिखाने में हमें कोई विश्वास नहीं है, रिजल्ट के बाद रिजल्ट दिखाना सबसे बड़ी चीज होती है। हम भी रिजल्ट से पहले कह देते 200 सेलेक्शन, 300, 400 सेलेक्शन, तो वो गड़बड़ रहता भाई। रिजल्ट से पहले कैसे पता क्या सेलेक्शन है, रिजल्ट के बाद सेलेक्शन है, और वो 15 फरवरी को आरएमएस का पूरा लिस्ट मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है जी, पूरा का पूरा लेकर के आ रहा हूँ। ओके सर, इफ सिंह देन हाउ कैन फादर नेम बी यादव? बेटा सिंह और कुमार जो होता है वो बड़ा नॉर्मल नाम है। ठीक है भाई, मेरा नाम ऑफिशियल धर्मेंद्र कुमार है, लेकिन मैं हमेशा धर्मेंद्र चौधरी लिखता हूँ। ठीक है, मेरे जो पिता का नाम है वो मुरलीधर सिंह है, तो वो हमेशा सिंह लिखते हैं। ठीक है, तो सिंह एंड कुमार जो हैं ये कॉमन सरनेम होते हैं, सरदार और सिखों के नहीं होते कि यादव कैसे हो गया। तो ये सारी चीजें दिमाग में लाओगे ना तो डाउट दिमाग में बनाओ, इससे कोई चीज नहीं होती है। ठीक है जी, बताओ और कुछ नहीं, तो ये नहीं कि भाई 100% 50% ऐसा नहीं जी। पिता का नाम सिंह, अरे भैया उनसे पूछो, मैं नंबर दिला दूंगा आपको। ठीक है, इन बच्चे का मैं नंबर आपको दिला देता हूँ, उनके पिता से पूछो कि सर क्यों आपने अपना नाम यादव की जगह सिंह लिखवा दिया। ठीक है जी, चलिए अवेल कैसे करना है, अवेल के लिए मैं आपको बता दूं, अवेल के लिए आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पे आपको कॉल करना है। कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैं वो नंबर डलवा दूंगा, और उस नंबर पे आपको कॉल करके स्कॉलरशिप को अवेल करना है।
ठीक है जी। उसके बाद पेड सीट में ऑफलाइन होता है, बिल्कुल बेटा पेड सीट में ही ऑफलाइन होता है, बिल्कुल होता है बेटा। पेड सीट जो आएगी, पेड सीट का मतलब क्या है, पेड सीट जो आएगी बेटा, पेड सीट का मतलब है आपकी फीस पे, पेड सीट का मतलब है फीस पे एडमिशन, ठीक है, फीस पर एडमिशन। तो पेड सीट का मतलब है फीस पर एडमिशन। तो फीस पे आपका जो एडमिशन रहेगा वो आपका लिस्ट में जारी करवा दूंगा, फीस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका भी लिमिटेड टाइम आपको मिलेगा, इसमें भी आपको लिमिटेड टाइम में अपने आप को एनरोल कराना होगा। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, 20 फरवरी की डेट रहेगी, 20 फरवरी के अंदर आपको रजिस्टर कराना होगा, ठीक है, 20 फरवरी के अंदर आपको रजिस्टर कराना होगा। पेड लिस्ट जो है ये वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। पेड सीट का मतलब है फीस पे एडमिशन, और ये 25 तक आपको क्या करना है, अपने आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको भाई जो भी लिस्ट आएगी वो आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है, आपका सीट फिक्स हो जाएगा। 1 अप्रैल से बैच शुरू होने वाला है, 1 अप्रैल से आपका सुखोई अगले साल के लिए और बेहतर रिजल्ट करने के लिए सुखोई अभी नहीं बता सकता बेटा, क्योंकि पेड लिस्ट जो है वो थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि भाई हमारे पास लगभग 270 के करीब सीट्स हैं, और उनमें से हम लगभग लगभग 90 सीट 6th 9th में हम दे रहे हैं, तो पेड सीट जो होगी वो ज़्यादा आपकी आएगी, ठीक है जी। एनडीए का भी वेटिंग और सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो जिसका जो भी है, जिसका जो भी है, देखो भैया अब कह रहे हैं कि रिजर्व कैंडिडेट का लिस्ट दे दो भाई, आप और फ्री कर दो, और फ्री कर दो, और फ्री कर दो। 125 बच्चे भाई दे दिए, 125 बच्चे सुखोई दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भाई ऑफ पे स्कॉलरशिप पे, नहीं सर पूरा 125 फ्री कर दो। हाँ तो भाई ऐसा नहीं होता, हमें भी अपने सोर्सेज के लिए भाई हर चीज़ की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज होंगे तो सारी चीज़ें होंगी, हम आपको मेहनत कर पाएंगे बेहतर तरीके से, ठीक है जी। ओके चलिए, 20% में बेटा 9th में अलग रहा है, 6th में अलग रहा है 20% का। उसके बाद अजीत सर आ जाएंगे, और भाई 15 फरवरी से आपका शुरू हो जाएगा, 15 फरवरी से आपका शुरू हो जाएगा बैच, ठीक है। तो 15 फरवरी से आपका ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है, और जिन्होंने भी स्कॉलरशिप एग्जाम दिया है 4 फरवरी वाला, अगर वो अवेल करते हैं, अपने आप को ऑनलाइन में रजिस्टर करते हैं, तो उनको 10% का ऑफ रहेगा, जो हम हमेशा देते हैं स्कॉलरशिप देने वाले बच्चे को, हम हमेशा 10% का ऑफ रखते हैं। फरीदाबाद आ सकते हो किसी भी ब्रांच में, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, स्कॉलरशिप किसी भी ब्रांच में अवेल कर सकते हो, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, स्कॉलरशिप सुखोई के किसी भी ब्रांच में आप अवेल कर सकते हो। स्कॉलरशिप ऑल ब्रांचेस के लिए है, किसी भी ब्रांच में आप आ सकते हो, अवेल कर सकते हो, ऑनलाइन अवेल कर सकते हो, ऑफलाइन अवेल कर सकते हो, सारी चीजों का ऑप्शन सुखोई आपको दे रहा है। बस एक चीज है आपसे जो हम चाहते हैं, वो आपकी पढ़ाई, ठीक है जी। वेबसाइट का नाम है बेटा sukhoiacademy.com, ठीक है जी। ओके और बताओ, किसी का कोई प्रॉब्लम हो मेरे को बता दीजिए। 17 मार्च का क्या है, फिर से स्कॉलरशिप एग्जाम है, जो बच्चे चाहते हैं कि भाई हम रह गए, हमें नहीं पता था, 17 मार्च को दूसरा एग्जाम है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपका नंबर नहीं आया है या आप चाहते हो अपने स्कॉलरशिप को और सुधारना, तो भैया आप बिल्कुल 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 आ जाइए, और ये आपका स्कॉलरशिप 17 मार्च को फिर से होने वाला है, और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए, और एक और एग्जाम 17 मार्च को, 4 फरवरी वाला एग्जाम मैं डाल चुका हूँ। और बेटा एक और चीज बता दूं, जो भी कॉमन क्वेश्चन थे, एक दो जो भी कॉमन क्वेश्चन थे जिनमें ऑप्शन वगैरह नहीं थे, एक दो क्वेश्चन में हो गया था प्रिंटिंग मिस्टेक था, ऑप्शन नहीं थे, तो उन सब का आपको मार्क्स दिया गया है, सभी कॉमन क्वेश्चंस का मार्क्स आपको दिया गया बेटा, सभी का, ठीक है। जो भी 6th में रीजनिंग के 2 क्वेश्चन थे जिसमें एक एक ऑप्शन मिसिंग था, उनका सभी को दिया गया है। ओके तो भैया पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, आरएमएस नहीं हुआ है, अगला अटेम्प्ट है, तो तैयारी में लग जाओ। चाहते हो सुखोई में भैया फ्री में एडमिशन मिले, फ्री में रहना खाना सारी चीजें मिले, तो 17 तारीख को एग्जाम दे दो, ठीक है, 17 तारीख को एग्जाम दे दो, सुखोई आपको फ्री में फिर से रख लेगी। जिनका 4 फरवरी को हुआ है उन सभी को मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ, मैं सबका इंतजार करूंगा, आइए और
पढ़िए और रहिए अच्छे से, ठीक है। चलो बहुत 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 आप सभी का धन्यवाद। और एनडीए की फीस क्या रहेगी, सुखोई की सारी चीजें भाई मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, और हमारा जो नंबर है, कोई भी अगर आपको भाई प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे जाके आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अरे भैया सबसे लास्ट में जाते जाते ये तो बता दो कि भैया कैसा रहा 125 बच्चों को भाई हम कहीं ना कहीं पार्शियली या फुल्ली फ्री पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो आपके चेहरे पे भी हंसी होनी चाहिए, जिनको स्कॉलरशिप मिला है उनको भी ये रहे कि हाँ 125 बच्चे, बेटा हिम्मत चाहिए, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हिम्मत चाहिए होती है कि इतना ज्यादा खर्चा झेलने के लिए, लेकिन सुखोई जो वादे करता है उनको निभाता है, ठीक है। सुखोई वादे आगे भी करेगा और निभाएगा, और भैया रिजल्ट मेहनत से होता है, और मेहनत हम कभी कभी छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करिए, और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आरएमएस के रिजल्ट का तो क्वेरी आपका दूर हो गया, क्योंकि रिजल्ट तो अब आपका भाई डाल दिया है आरएमएस ने, तो कोई भी आपका क्वेरी रहता है इस नंबर पे आप करिए। 125 बच्चों को भैया मैं फिर से बता दूं, 125 बच्चों को हम फुल्ली या पार्शियली सुखोई में पढ़ने का मौका दे रहे हैं फ्री, ठीक है। फुल्ली या पार्शियली फ्री हम सुखोई में पढ़ने का मौका दे रहे हैं। 40 से 45 बच्चे बिल्कुल अगले साल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो खाना पीना, नो रहने का चार्ज, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। ओके सर, मेरे भी 80% आए थे। बेटा अगर 80% आते, देखो मैं फिर से बता दूं, मैं नहीं जानता इन बच्चों को, क्योंकि मैं नाम भूलने में बड़ा मेरे को प्रॉब्लम है, नाम मैं भूल जाता हूँ। तो स्कॉलरशिप जो भी मैंने तैयार किया है वो फेयर तैयार हुआ है, मार्क्स मशीन से चेक किए गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि हाथ से ओएमआर चेक कर दियो, मशीन से चेक हुआ है, जिसका जितना था उसको उतना मिला है, उसी के हिसाब से आपका स्कॉलरशिप क्या किया गया है बताया गया है आपको, और मार्क्स में पूरे के पूरे मार्क्स आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में आपको जारी करवा दूंगा, लिस्ट में आपको जारी करवा दूंगा, ठीक है जी। ओके बेटा रिजल्ट ऐसे थोड़ी दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ खोल के 1500 बच्चों ने पेपर दिया है, तो एक एक का थोड़ी होता है। 100% के लिए 80% से ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे, 100% के लिए 80%। चलिए दिशांत बहुत बहुत आपका भाई भाई धन्यवाद, तो आप हमारा कहिए, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल, 17 मार्च को 100% स्कॉलरशिप है, बिल्कुल दोबारा से है, फिर से है, ठीक है, फिर से है 100% स्कॉलरशिप। सर अभिनव सिंह तो है, फादर्स नेम गलत है भैया, अभिनव सिंह तो हमारे पास पहले भी थे, ठीक है, दुनिया में मेरे हिसाब से एक अभिनव सिंह तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा नाम भी धर्मेंद्र है और एक्टर का नाम भी धर्मेंद्र है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, 17 मार्च को फिर से, 17 मार्च को फिर से मिलते हैं, ठीक है, एक बार फिर से आपसे मिलते हैं, एक बार फिर से आपसे मुलाकात होती है, और तब तक के लिए 15 फरवरी को सबसे बड़ा रिजल्ट तैयार रहिए बेटा। सुखोई आपको दिखाएगा कि भाई सिलेक्शन होता कैसे है, सुखोई आपको बताएगा कि भैया मेहनत करोगे तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, और इतना बड़ा है बेटा, इतना बड़ा सिलेक्शन है, इतना बड़ा सिलेक्शन है कि आप 2 घंटे 4 घंटे में भी पूरा हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, अब बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म का डिटेल आपका लिंक दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जिनका भी हुआ है, जो भी 125 बच्चे और सुखोई पढ़ा रहा है अगले साल के लिए, तो भाई उनसे मेरी विनती है कि वो अपना अटेंडेंस लगाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कितना परसेंट मिला है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, नमस्कार, चलिए।